ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 61। सो इट सेज द डाइवर्जिंग लाइंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ओके सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है समथिंग लाइक दिस एंड एक कन्वर्जिंग मिरर है समथिंग लाइक दिस एंड कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस है। नाउ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो इस प्रिंसिपल एक्सेस पे, सच दैट इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी वो इस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। नाउ इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, पहले रेज जाएंगी समथिंग लाइक दिस, ये जो लेंस है इससे क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद रेज आगे जाएंगी, देन मिरर से क्या होगा रिफ्लेक्शन, फिर रेज वापस आएंगी, फिर लेंस से क्या होगा रिफ्रैक्शन, फिर रेज इस तरह से वापस आके ऑब्जेक्ट पे ही फाइनल इमेज बनेगी। नाउ एक ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, इसकी क्या कंडीशन है? बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, इसे हम कहते हैं ऑटोकॉलिमेशन। ना ऑटोकॉलिमेशन में क्या होता है कि जो रे है, जो लाइट रे है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। लेट मी शो यू, इस तरह से हमारे पास ये डाइवर्जिंग लेंस है एंड इस तरह से ये कन्वर्जिंग मिरर और इस तरह से ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। एंड आप देखो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, लेट्स से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेंस, राइट। जो रे है वो कुछ इस तरह से जाएगी, एक रे ऐसी जाएगी और एक रे लेट्स से इस तरह से जाएगी। नाउ लेंस से क्या होगा रिफ्रैक्शन, है ना, सो डाइवर्जिंग लेंस है सो कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी रेज समथिंग लाइक दिस। नाउ आप देखो कि ये जो लेंस है काइंड ऑफ एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना देगा, यहाँ पे पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा आई वन। ये आई वन क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट ओ की इमेज है, किसने बनाया, इस लेंस ने बनाया, राइट। नाउ ये जो इमेज आई वन है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, इस मिरर के लिए, बिकॉज इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं इस मिरर पे वो कहाँ से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट आई वन से, राइट। सो आई वन ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस मिरर के लिए। नाउ आप देखो कि जो फाइनल इमेज हमें चाहिए है वो ऑब्जेक्ट पे ही चाहिए है। सो अगर हम कहते हैं कि ये जो रे है ना जो कि मिरर पे गिरती है, अगर ये जो रेज है अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, बेसिकली ये जो रेज है जैसे आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाए समथिंग लाइक दिस, ये जो रे है वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, देन जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी, जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर ले इस तरह से। नाउ आप देखो कि जो मिरर है उससे रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, इसकी क्या कंडीशन है? बेसिकली जैसे रे आई है रिफ्लेक्शन के बाद वैसी ही चली जाए, और यू कैन से जो डेविएशन है, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन है वो कितना हो जाए 180 डिग्री। सो इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि इस मिरर के लिए जो इस मिरर का ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। अगर हम कहते हैं इस तरह से हमारे पास ये कन्वर्जिंग मिरर है और इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, देन जो लाइट रेज आएंगी और इस मिरर पे गिरेंगी वो इस मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरेंगी, और यू कैन से कि इस इन रेज के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो जीरो होगा, सो वी कैन से कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, सो जो लाइट रे हैं जैसे आई हैं वैसे ही यू नो काइंड ऑफ रिटर्न हो जाएंगे, राइट। सो डेविएशन जो होगा बेसिकली 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये जो रेज है मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करेंगी। सो वी कैन से कि इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है, इस मिरर का जो ऑब्जेक्ट है आई वन, राइट, जो आई वन है
इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। नाउ ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ आपको गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 20 पे होगा। सो वी कैन से कि ये जो डिस्टेंस है I1 का जो डिस्टेंस है मिरर से वो 20 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेंस एंड द मिरर वो डिस्टेंस आपको गिवन है 5। सो वी कैन से जो डिस्टेंस है बिटवीन I1 एंड लेंस है ना, I1 और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 15 आ रहा है। I1 और लेंस के बीच में डिस्टेंस 15 है ना। आप देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, राइट। नाउ इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज I1 है ना, किसने बनाया, इस लेंस ने, वो 15 पे बनी। नाउ इस लेंस के लिए आप स्टडी करो, आप इस लेंस को देखो। सो इस लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्ट O की जो इमेज बनाई I1 वो कितने डिस्टेंस पे बनाई, 15। सो इस लेंस के लिए हम कह सकते हैं कि जो U है वो कितना है, -x है ना, x डिस्टेंस पे रखा हुआ था आपका ऑब्जेक्ट लेंस से, और जो V है वो हो जाएगा -15, राइट, बिकॉज जो डिस्टेंस है बिटवीन I1 एंड लेंस वो तो 15 है और पीछे की तरफ है, राइट, नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ना, सो नेगेटिव होगा। एंड इसका जो फोकल लेंथ है लेंस का वो कितना है, कितना दे रखा था, 20 दे रखा था ना, राइट, सो -20 होगा बिकॉज ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है ना, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। नाउ लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। सो यहाँ से देखो 1/v का वैल्यू -15 -1/u का वैल्यू -x = 1/f - 20। सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू आएगी, 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/15 -1/20। सो बेसिकली 5/300, राइट, सो बेसिकली 1/60। सो यू कैन से कि x की जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर, राइट। सो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को आपको रखना है इस लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, अवे फ्रॉम द मिरर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।